आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जो अच्युत है, जो केशव है, जो माधव है, जो नारायण है, जो श्री हरि है, जो परम पिता परमेश्वर परम गुरु श्री कृष्ण है, उसको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। सुप्रभा। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 24 जुलाई 2024 चंद्रमा कुंभ राशि में अहोरात्र शनि के साथ में शनि चंद्र विशोक बनाते हुए और शतभिषा नक्षत्र है शाम 6:14 तक, उसके बाद पूर्वा भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र। आज संकष्टी चतुर्थी है, चंद्रोदय रात्रि 9:48 पर होंगे और उसके बाद ही ये व्रत आप खोल सकते हैं। गणेश जी का ये व्रत महीने में एक बार आता है जब सभी संकटों का नाश करने के लिए इसे रखा जाता है। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ ग्रह नक्षत्रों का, थोड़ी ही देर में जानेंगे इसे। मेष राशि, आपके लिए आज का दिन आपको रिलैक्स करना है, घर में वाहन तेजी से नहीं चलाना है, जहाँ तक हो सके आप अपनी माँ की तबीयत संभालें और घर में हेल्पर्स के साथ झगड़े ना। वृषभ राशि, यात्राओं पर निकलना आपके लिए आज जितना अगर टाल सके तो अच्छा है, आपके हिम्मत हौसले जो हैं वो टूटेंगे, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, शिव जी की आराधना करनी है और जहाँ तक हो सके छोटे भाई बहनों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। मिथुन राशि, परिवार में कलह क्लेश या तबीयत का खराब हो जाना, अगर ये सब बातें होती हैं तो अवॉइड कीजिए आज बातें करना, स्पेस दीजिए, धन का नाश मत कीजिए और आज संभल के अपने व्यवहार कीजिए। कर्क राशि, आपके लिए आज का दिन जो है थोड़ा सा दुखी होने का है, तो दुखी क्यों होना, चुप रहेंगे और जितना मेडिटेशन करेंगे सुखी रहेंगे। ओम नमः शिवाय के जाप करें, जाके शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दें और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इनटेक करें। सिंह राशि, प्रेम संबंधों में कटुता ना आए और कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिसके वजह से आपको विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश, और अगर विवाहित जीवन नहीं है प्रेम संबंध है तो उसमें भी कलह क्लेश है, तो शांति से रहिए, आज खर्चे ज़्यादा न कीजिए और व्यवसाय नया न शुरू कीजिए। कन्या राशि, आज के दिन अगर विरोधी आपके सक्रिय हो जाते हैं तो संभल के वहीं पर आपके कुछ काम जो ज़रूरी हैं, केसेस पे बात, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, उनको बड़ी शांति से निपटाएं, महादेव को जल चढ़ाएं, काले तिल डाल के आराम से रहें, कोई भी घबराहट ना करें। तुला राशि, तुला राशि के लिए आज आपको पैसे वाला काम जो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट या आपके कोई सीए से रिलेटेड बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है थोड़ा स्थगित कर दे तो अच्छा है, और अगर करना ही पड़े ऐसी कोई मजबूरी है तो शिव जी की परम आराधना करें। वृश्चिक राशि, आपके कुछ काम ऐसे भी आन पड़ेंगे जो आज ही निभाने हैं आपको, और ऐसे में आपको चांद को देखना, पानी पीना चांदी के ग्लास में या शिव जी की आराधना करना अति उत्तम रहेगा, लिक्विड्स बढ़ाएं बॉडी में। धनु राशि, उदास ना हो, रोए ना, बेचैनी ना करें, झगड़े ना करें और स्पेस बना के लोगों के साथ में शांति से रिलैक्स करते हुए आराम करते हुए रहे, आज कोई नया काम नहीं शुरू करना है। मकर राशि, खुद को बेचैनी हो या आपको ऐसा लगे विरोधी उठ खड़े हुए, आपको तबीयत खराब लगे तो आज डॉक्टरी चेकअप भी करा सकते हैं, आज ना लोन ले ना दें वो अच्छा रहेगा, और चुकता करना चाहते हैं तो उसके लिए बेचैनी ना करें, चुकता हो जाएगा। कुंभ राशि, आपके लिए आज का दिन परिवार के साथ कलह क्लेश नहीं करने का है, बोलचाल की भाषा ठीक रखें, विवाहित जीवन अगर है तो कलह क्लेश उसमें भी ना करें और कोई भी काम व्यवसाय का आज ना शुरू करें। मीन राशि, आपके लिए आज का दिन बेसिकली आज खर्चे ना करने का है, ना प्रॉपर्टी पे ना किसी और चीज़ पे, और अपने प्रेम संबंध हैं अगर तो उनमें स्पेस बना के चलिए, आज का दिन बात ना करें तो अच्छा है, और साथ में
कोई आरोप ना आए, इसका भी ध्यान रखें। चंद्रमा ढाई ढाई दिन में बदलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रबल असरदारी ग्रह कोई है तो वो चंद्रमा है, जो आपकी ज़िंदगी पलट देता है नक्षत्रों का सहारा लेकर। ऐसे में अगर नक्षत्र सूट ना करे चंद्रमा को तो बड़ी बेचैनी होती है। ओम नमः शिवाय के जाप, शिव जी की आराधना, मन को स्थिर रखने के लिए अपनी माँ का सपोर्ट लेना और अपने आप को संतुलित रखने के लिए मेडिटेशन करना ही परम आवश्यक है। चुप रहें जितना हो सके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।